इंटरेस्टेड ऑप्शन, बोलिए क्वेश्चन आप लोग क्या है। सर ये अभी जो लोग इतना पैनिक हो रहा है, इतना परेशान हो रहा है, मतलब बाद में कुछ मिलेगा नहीं मिलेगा, उसके बारे में आप क्या मतलब? रायतू बाजार इसे एसेंशियल कम्युनिटी में आता है, रायतू वेजिटेबल्स, वेजिटेबल मेरा मतलब है वेजिटेबल्स एसेंशियल कम्युनिटी में आता है, और जो ज़रूरी है आम आदमी को मिलना। रायतू बाजार रेगुलरली ओपन रहता है, कंज्यूमर्स को पैनिक होने की जरूरत नहीं है, आराम से अपने घर से एक जना आके ले लीजिए, मास्क पहने हैंड सैनिटाइजर रायतू बाजार में अरेंज करे, सैनिटाइज कर लेके अपने अपने तरीके से तरकारी लेके जाए तो अच्छा रहेगा। पैनिक होके पूरे आके एक ही ऊपर आए तो पूरे सोशल डिस्टेंस नहीं मेंटेन हो बहुत मुश्किल हो जाता है। अभी थोड़ा देखा सर, मतलब ये मतलब स्टेट लॉकडाउन होने के बाद थोड़ा ब्लैक मार्केटिंग भी ज़्यादा आ गया, उसी चीज़ में हम लोग थोड़ा नज़र किया कि आपके मार्केट में कुछ लोग ज़्यादा पैसों से भी बेच रहे करके। देखिए रईस बाज़ार बोले तो एक 10 में 2-3 जिन्हें रहते ज़्यादा बेचने को चांस रहते, ये लॉकडाउन होने के लिए नहीं, रेगुलरली इश्यूज रहता हो। अभी टमाटर में जो 50 रुपये बेच रहे बल्कि मालूम होता है एक्शन ले लिए, इमीडिएटली 40 रुपीस बेचने लगा। एक्चुअल रेट क्या है सर उसका? 40 रुपीस। 40 रुपीज़। भिंडी का क्या रेट है? भिंडी 44 है, 40 भी बेच रहे रहते हो सर। लेकिन वहाँ पे मैं पोटैटो 31 रुपीज़ है, 30 बेच रहे रहते हो सर ओनली 30। टमाटो में पैनिक हो रहे पूरे, टमाटर कम है एक्चुअली, अरेवल्स कम है, अरेवल्स कम होने की वजह से उन्होंने क्या है टमाटर नहीं मिलेंगे बोल के पैनिक हो रहा है, नहीं मिलने की चांस ही नहीं है। फर्स्ट दिन है लॉकडाउन होने की, ट्रांसपोर्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट ठीक करना है, कंज्यूमर फार्मर्स के तरफ से डीसीएम टाटा एसी वैसे लेके आ रहे रईस बाजार में, थोड़ा लेट अरेवल्स आया। आप देखिए नॉर्मल हो गया, सुबह सुबह बहुत ह्यूज क्राउड था, अभी नहीं। मैं कंज्यूमर को एक ही एडवाइस कर रहा हूँ कि घर से एक ही निकलिए, रेगुलरली रईस बाजार आएगा, कभी भी बंद नहीं रहता, तरकारी आएगा जरूर आएगा, आराम से आके आराम से निकलेगा।